प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में रोड शो करने के साथ ही कई लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित किया। विपक्ष का आरोप है कि ठीक चुनाव के दिन दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में पीएम की सभा कराकर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद कहते हैं कि एनडीए पूरी तरह से डरा हुआ है और यही वजह है कि पीएम के सहारे वोटर्स को रिझाने की कोशिश हो रही है। महागठबंधन के दूसरे घटक दल झामुमो भी इससे इत्तेफाक रखता है। आपने देखा कि किस प्रकार से दूसरे चरण में जो झारखंड का दूसरा चरण था उसमें किस प्रकार से इनको कराए जैसे खस मिल रही है, जबकि इन्होंने ठीक वोट के दिन भी सभा करवाने का काम किया। तो ये अब चलने वाला नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री जी का झूठ हो जो प्रधानमंत्री जी के नक्शे कदम पर चल करके वो परोस रहे हैं झारखंड की जनता के बीच में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का झूठ हो, झारखंड की जनता ने झूठ को खारिज कर दिया है। एकदम साफ साफ आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भी आचार संहिता लागू करते करते वो लाचार संहिता पे आ गए हैं, वो लाचार हो गए हैं। अब प्रधानमंत्री और सरकार का इतना ज़्यादा दबाव रहता है उन लोगों के ऊपर कि ये लोग एकदम लाचार हैं, कहीं से भी इन लोग दिख नहीं रहे हैं। आचार संहिता का लागू करते हैं वो लोग किस पर, वो विपक्ष के जितने दल हैं पार्टी हैं उन पर करते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उस पर ये आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हो रहा है। और इससे साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग भी लाचार हैं, मजबूर हैं। महागठबंधन के आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी का कहना है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है उसे छोड़कर कहीं भी सभा की जा सकती है, इसे आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाना ठीक नहीं है। बीजेपी के एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक बड़ाई कहते हैं कि यूपीए हार के डर से इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। जब हम लोग किसी भी अभियान में चलते हैं, अभियान में जाते हैं, आप देखे होंगे कि अभी हाल के दिनों में झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का भी सिमडेगा में सभा हुआ था, उसके तुरंत बाद चुनाव हुआ। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। देखिए, जो हारने की स्थिति में रहते हैं वो 10 तरह का अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अरे, वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। आपके जिस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है वहां आचार संहिता लगा हुआ है। किसी दूसरे क्षेत्र में अगर कोई देश के प्रधानमंत्री या अन्य कोई स्टार प्रचारक आके प्रचार करते हैं तो वो कहीं से भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में है। इलेक्शन कमीशन को ही देखना है कि वोटिंग के दिन पीएम की सभा कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन है या नहीं। फिलहाल राजनीतिक दल इसे अपने अपने चश्मे से जरूर देख रहे हैं। कैमरामैन अविदाश के साथ न्यूज 11 के लिए शाहनवाज की रिपोर्ट।